तुम्हारे बाबूजी के इलाज ना होखला के वजह से हम अपन बाबूजी के हमेशा हमेशा खातिर खो देनी। मितवा वो समय हमारा के तोरा कला पे भरोसा ना रहल, माना था नहीं कि हमारा से बड़ गलती हो गई। अपन फर से ज्यादा हम पैसा के बारे में सोचनी, बहुत गलती करनी हम तोरे साथ। जोन हो गई तो हो गई डॉक्टर साहब, ना करा के आप बदल सकिले और ना ही हम बदल सकिले, लेकिन हमारा के इतना जरूर पता बैठे कि आप हमारा के जिंदगी भर के घाव दे दी। हमारा से बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो हमरा के माफ कर दिया। मिथिलेश, अरे तू तो हमार बहादुर बेटा बाड़ा। हाँ, संभाला अपने आप के बाबू। अबे मौका बा रितुआ के फंसावे के, लोहा गरम बा, टाइम आ गइल बा हथौड़ा मारे के। ये डॉक्टर के सकल तक ना देखे के चाहिए। के बुलाओ ले जाओ करा के। सच कहत रु चाची, ये डॉक्टर के इज्जत देख के हमारा पुरान जब देख के हमारा पुरान जब देख के हमारा फिर से ताजा हो गया, फिर से ताजा हो गया। हम पूछा तो नहीं गई जा और डॉक्टर के बुलाओ ला सब। हम बुलोनी डॉक्टर के। लेकिन रितु जी, आपके डॉक्टर के पता कैसे चला? हमरा के डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं के पता। वो हम युवराजपुर के बारे में जाने खातिर गए रहनी तो हमरा के वही जगह पे केहू ओंकार डॉक्टर के नंबर दे ले, और जब माई बीमार पड़ ली तो हम ये डॉक्टर के नंबर मिला देनी और वो डॉक्टर एजा आ गई ले। रितु जी, लेकिन आपके वो डॉक्टर ओंकार के नंबर के दिया, और आप वो डॉक्टर से कौन राज जाने खातिर नंबर लेनी ओंकार से? उहे राज जिकरा के ना बताए के कसम बा पूरे परिवार के। बाकी हम इराज तो जान के ही रहा। अभी माई की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, ऐसे हम कुछ बोलत नहीं थी। वो कह रहे होतनी जी, आज भैया के याद आ गई, खुलकर जुड़ल कुल कहानी याद आ गई। भैया के नाच की चर्चा पूरा दुनिया में रहे, हम तो उनकरा के देख देख के नाच सिखले रहनी। फिर रवा साथे बेमानी भी हो गई, और वो बेमानी यहाँ के जियते जी भई रहे, मरला के बाद ना पहिल का बेमानी। उहे बेमानी के फल मिलता ये रितु और मिथिलेश के रिश्ता के बीच में आवत। जो कुछ भी भैल बा अभी मिथिलेश के कोनो दोष नहीं खे। लेकिन मिथिलेश के नाच, मिथिलेश के पहला नाच के चर्चा ही घर में कबो ना होई, काहे से कि भैया के दियल कसम बा केहू ना होकर कसम तोड़ सकेला, तो हूँ ना तोड़बू, समझ लू? तो हम कहाँ जाते नहीं कसम तोड़े, हम तो अपन मुंह बंद रख ले बन।
बाकी अतीत के साया हा जोन रिश्ता में आवता रितुआ मिथिलेश के हमरा वैसे भी का लेना देना भाई मिथिलेश से हम तो कसम से बनले बन भाड़ में गई कसम वैसे भी कसम हम ना खोले रहने आ कसम तो रनिए तोड़ दिया एमे कोनो गलत बात नहीं है माजी हम लोग अपमान नहीं के करल चाहत रहनी बाकी हमरा से बर्दाश्त नहीं के होत कि हमार पति एगो नाच करे वाला है पर से फुहर नाच ये सब सोच के हमरा के बहुत घिन आवत हमारी रितु तू अपन मन में एगो शक बैठा ले ले बाड़ू कि तोहार पति एगो फुहर नाच करे ले ए बेटा हमरो पति एगो नाचे वाला रहलन बाकी हमरा के कब्बो बुरा ना लगल आ ना ही कब्बो अपमानित महसूस भई अम्मा जी हमार बात समझे की कोशिश करी हम दोनों लोग की पीढ़ी में जमीन आसमान के अंतर बा जवा लोग के बचपन में ई सिखावल गई हुई कि राउर पति पति परमेश्वर है पर हम एगो पढ़ल लिखल परिवार से बानी जहा लड़की लोग खुद सोचे ले उनकर कुछ वजूद हो ले माई रहुआ हो सकेला कबो अपना के अपमानित न महसूस करे हो बाकी हम अपना के हर वक्त हर पल अपमानित महसूस करे यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में भी हमारा अपमान रही अभी बदमाश लोग की नजर में भी घुंगरू पहन के नाक गिरल काम हो और मिथिलेश बाबू घुंगरू पहन के नाचे में बहुत उतावला बाड़े उ नागेश हमरा के हर पल अपमानित करेला कि हम एगो नचनिया की पत्नी है रितु जी आपके नागेश के बात की इतना चिंता नहीं वो आदमी हमने के एक दूसरे के जीवन में आके आग लगा देना आप वही के बात करते नहीं हाँ हम उहे के बात करत आनी काहे से कि जब से रज्जो चाची और प्रीति ओकरा से मिलल जुलल चालू कैले बानी तब से वो अपन परिवार के बारे में गलत नहीं के सोचत माई हेतु जी गलत तो हम आपके बारे में नहीं सोचे आप एक बार खाली एक बार हमार बात मान के तो देखिए हम मिथिलेश के बाबूजी के नाश स्वीकार कैनी यहाँ तक कि रज्जू चाची भी बबुआ जी के नाश स्वीकार कैनी एक मिनट दीदी जी हमरा के बीच में मत खींच हमरा गोपाल के बाबूजी के नाच कब्बो पसंद ना रहे अरे हम तो परेशान हो गए रहनी लोग के ताना सुन सुन के तो अच्छा भली नाचे गाना बंद हो गए तो हम जिंदगी भर अपमानित होकर से बांच गई रज्जू ये तो कैसन भड़काए वाला बात करता तारू हम रितु के समझावे की कोशिश कर रहा था नी और तू ही उल्टा सीधा पाठ पढ़ावा तारू अम्मा जी चाची जी एकदम ठीक कहा था नी चाची जी आज के जमाने की औरत है पर इनकर खुद की बेटी है खुद कर दामाद है इनकर अपन परिवार के फिकर बा और अच्छा भइल कि इनकर परिवार नचनिया के नाम से अपमानित होए से बच गए और इनकरा के तो अच्छा से पता बा कि एगो नचनिया की पत्नी होके के दर्द का होला जैसे ही चाचा जी नाच से दूर भइले वैसे ही चाची जी के मन के शांति मिल गई बाकी रउआ तो नहीं चाहत कि रउआ की पत्नी के मन के शांति मिले ठीक कहनी ना मिथिलेश जी
तक ऋतु के बहुत बुरा लाग गइल बा। अब कोनो बात ना, हम बढ़िया से समझा देब ओकरा के। हाँ हेलो दोस्तों, हम गोपाल रोवा लोग के फिर से एक बार स्वागत करत आनी अपन डांस मास्टर्स क्लास में। आज हमने लोग के बीच अपन जाने माने कलाकार मितवा जी लाइव आइल बाड़े, और उनकरा साथ कुछ ऐसन नौजवान भी आइल बाड़े जे मितवा जी जैसन बड़ कलाकार बनल चाहता रहे। तो आज मितवा जी खुद उनकर सारा सवाल के जवाब दी। रउआ अपना पहले नाच के बारे में कुछ बताई, कब और कहाँ से शुरू कैले रहल? रउआ अपना बचपन के दोस्त और पहला नाच के साथी प्रभु दयाल तो याद हुई ना, जेकरा साथ रउआ बहुत पहले छोड़ देले रहे। आप लोगों से बात कैले के बाद हमरा के बहुत बढ़िया लागल। आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद जी, सब करके प्रणाम। हेलो रितु बेटी, वीडियो देख ले लो। हम गोपाल के प्रोग्राम देखनी तो सोचने की तोहरो के भेज दी देखे खातिर। ये प्रभु नथवा जन बानो ओकर जरूर कोनो संबंध बा मिथिलेश के पहिल का नाच से। काहे कि ये दोनों पहले बहुत ही अच्छा दोस्त रहन सो। युराजपुर में जितना नफरत लो मिथिलेश से करना ना, उतना ही ये प्रभु नथवा से करे ला। तू एक बार प्रभुनाथ से मिल ले बनु तो तेरा मिथिलेश के सारा सच्चाई पता चल। रितु बेटा, हम जानत हनी कि तू बहुते कोशिश करत रहु मिथिलेश के जिंदगी के गंदा सच सबके सामने ले आवे खातिर, आ हम एमे तार कोनो मदते नहीं कर पाओ। तू कहा नू बेटा कि हम इ परिवार के हिस्सा न होई, ओ खातिर हम कसम से बनल बन। आई कसम हम अब नाना चाची, रउआ अपन कसम न तोड़ी। रउआ के अपन परिवार के प्रति इतनी वफादारी देख के हमरा नजर में रउआ के इज्जत और सम्मान और बढ़ गई बा। हम रउआ के मजबूरी समझत आनी, नहीं तो रउआ हमरा के सब कुछ पहले ही बता देती। हाँ बेटी, सब बता देती। बाकी का करें, ये परिवार के प्रति नू हम बहुते वफादार बन। मिथिलेश के बाबूजी के मरला के बाद ये परिवार के सारा जिम्मेदारी हम ही उठाई, सारा सामान कुली बांध छान के स्टोर रूम में बंद कर दे। अरे घर के हालत बहुते खराब रहे, ये परिवार के हर लोग के हम नया जिंदगी शुरू करे में मदद कोई नहीं। अब तू भागल भागल जइह स्टोर रूम। भाई तू बिल्कुल चिंता मत कर ले, सब ठीक हो जी। मैं भाई ये कला तो हमने के परिवार से मिलल बटे, ये हमने के परिवार के पैसा है भाई। अगर भाई तू ही बताओ कि अगर ये गलत रही तो तहके तो पता बा भाई कि हम ही ना करती। तो ये बात रितु काहे ना समझत आड़ी? भाई दरअसल बात ही बाकी कुछ लोग बाड़न भाई जो हमारे खिलाफ में उनकरा से उल्टा सीधा बोल बोल के उनकरा के परेशान कर देले बाड़न भाई। बात ये डर के बाकी अब ऋतु जी के युवराजपुर के कांड के बारे में पता चली तो भाई ये न कहियन कि तहर जोन कला बटे एकदम फुहड़ बटे, यही वजह से युवराजपुर के लोग हमी से नफरत कर। पता ना भाई हमारे बुझात नहीं कि हम कहा करी भाई। रउआ अपना पहले नाच के बारे में कुछ बताई, कब और कहाँ से शुरू कैले रहल? रउआ अपना बचपन के दोस्त और पहला नाच के साथी प्रभु दयाल तो याद हुई ना।
हेलो प्रभु, कैसन बड़ा दोस्त मिथिलेश, आज 10 साल के बाद तोरा के अपन दोस्त के याद आई? क्या करती दोस्त, रात के गुस्सा इतना साल के बाद हमारा दिल पर बोझ बन के बैठल रहे यार। अच्छा भेल की तार भाई हमारा से तारा बारे में पूछल, हमारा के पुरान बात सब कुछ याद आ गेल दोस्त। तो हमारा के माफ तो कर देला ना? जौन भेल तौन भेल, ओकरा के तू भुला जा। अच्छा ही बतावा कि तू भाड़ा कहाँ बा भाई? कैसे बतलाई मिथिलेश? युवराजपुर के उरात के बाद से पुलिस हमरा के ढूंढत बा। पुलिस के डर से हम छुप-छुप के गुमनामी में जियत पानी। अगर हम पुलिस के हाथ लग गेली तो पकड़ के हमके जेल में डाल दी सीधे। पिता के जगह पुत्र के पहला नाच, मतलब जब मिथिलेश जी पहला बार नाचे खातिर तैयार भेल रहे, पर ऐसन का भेल रहे कि मिथिलेश जी के पहला नाच ही उनका खातिर अभिशाप बन गए? आखिर उरात ऐसन का भइल रहे जिकरा बारे में हमरा के केहू कुछ न बतावे के चाहेला? जरूर कौन ऐसन बात बा जवन हमरा से छुपावा ताड़े ई घर का लोग। प्रभु दयाल, दोस्त तारा से मिलल ले बहुत दिन हो गेल भाई। हम तारा से मिलल चाहतनी, जल्दी तारा से मिलब। ना मिथिलेश, तू हमसे मिले मत आवा, ये तो हमार परेशानी बढ़ जाए। हमरे खिलाफ FIR दर्ज बा पुलिस स्टेशन में, अगर केहू के पता चल जी तो पुलिस यहाँ आ जाए। हम गुमनामी के जिंदगी जियत बानी, ठीक बा, तो यही में सुरक्षित बानी। अगर ये बात बैठे तो हम तारा के मुश्किल में ना डालन दोस्त। और बतावा दोस्त, कैसन बड़ा? तोहरे बारे में हम सुनी ला तो सुन के बहुत अच्छा लगेला कि हमार दोस्त आगे बढ़त बा। तू तो बहुत बड़ा डांसर बन गेला मितवा। ई कोनो पिक्चर उक्चर में हीरो का रोल कहने करत बड़ा? ना प्रभु दयाल, हमरा के हीरो नहीं के बने के दोस्त, हम तो सिर्फ भिखारी ठाकुर जी के जोन कला बटे वो कला के ऊपर लेके जाई चाहते नहीं, वो कला के हम दाग मिटावल चाहते नहीं, वो कला के हम सम्मान दिहल चाहते नहीं। कुछ लोग भाड़न जोने कला के ऊपर दाग लगा दिले भाड़न, वो कला के दाग के हम मिटावल चाहते नहीं।